हेलो पीपल इज शुभम सुखलेचा एंड आई एम हियर राइट नाउ टुडे टू डिस्कस समथिंग ऑन जून 20 इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल दैट ऑल ओवर इंडिया सारे सी स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए वगैरह 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 एंड उसको लेके एक बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हो चुका है एंड इट इज रियली डिसहार्टेंड इट इज रियली मतलब आई हार्ट रियली क्राइज आउट वन आई गेट टू नो द सिनेरियो दैट स्टूडेंट्स आर नॉट इवन अवेयर अबाउट द एक्जैक्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर के किस तरह से चीजें फंक्शन कर रही है मैक्रो लेवल पर चीजों की डिमांड क्या है दिस इज आस्किंग फॉर इट फर्स्टली आई एम वेल अवेयर अबाउट द सर्कमस्टांस स्टूडेंट्स आर इन एंड देर फेसिंग द इशूज जो कि बच्चे कहीं पी जीज में हैं जहाँ पे फंसे हुए हैं बच्चे जहाँ पे उनके पास बुक्स नहीं है मैं उस पूरे चीज़ों से हंड्रेड परसेंट वेल अवेयर हूँ हंड्रेड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स आज टकअप दर एंड दैट इज द रीजन आई मेकिंग दिस वीडियो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू अंडरस्टैंड क्योंकि जो बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं मतलब कंसर्न इज

एग्जाम आज नहीं कल भी हुआ तो आपने तो पढ़ाई करनी है ना स्टूडेंट्स शुड भीपिंग स्क्वायर वन पे आते हैं और हम लोग ये बात करते हैं कि क्या एक्चुअली एग्जाम पोस्टोनमेंट इज इन दिट ऑफ एवरी हंड्रेड परसेंट में के ऊपर कॉम्प्रोमाइज में जीरो पे बात कर रहा हूं सो सो माई रिक्वेस्ट हेयर इज दट यू नीड टू सी दी एंटायर डिस्कशन यू नीड टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आई सिंसियरली रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू स्टे आउट ऑफ इट तो सबसे पहले जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज दैट वी डोंट हैव आर ओन ओपिनियन वीज आर जस्ट ड्रिवन अवे बाय अदर्स ओपिनियन कि हाँ ये बोला ये बोला हाँ चलो ऐसे कर लेना है बेवकूफ नहीं है हम वी आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन

डिसम्बर जस्ट टेलमी विल यू पीपल बी हैप्पी विद एट क्या यह स्टूडेंट के इंटरेस्ट में होगा क्या ऑफकोर्स नॉट ऑफकोर्स नॉट ऑफकोर्स नॉट क्या इंटरेस्ट में होगा ऑफकोर्स नॉट बिकॉज प्रैक्टिकली आप वो एग्जाम दे ही नहीं पाए हैं एंड डायरेक्टली आपका एग्जाम हो रहा है डिसंबर में सो so क्या यह इंटरेस्ट में है नहीं नाउ अंडरस्टैंड वेरी प्रैक्टिकली कि सर अगर मान लीजिए हम थोड़े टाइम के लिए एग्जाम को पोस्टपोन कर देते हैं एग्जाम हो जाता है जुलाई या फिर ऑगस्ट में तो फिर रिजल्ट कब आएगा अगर एग्जाम जून में होता है अगर एग्जाम जून में होता है सो so so, अगर वही एग्जाम हम कहते हैं जुलाई या अगस्त में होगा जुलाई या अगस्त में होगा एग्जाम so the, uh, का रिजल्ट आएगा सेप्टेंबर अक्टूबर में और अक्टूबर में अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है प्रैक्टिकली वेन वी आर एंड 85 परसेंट स्टूडेंट तो आपको लगता है अक्टूबर में रिजल्ट आएगा और अटैम्प दे पाएंगे स्टूडेंट्स नो नॉट इन फेवर सो माई पॉइंट इज एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त में होते हैं ना तो स्टूडेंट के फेवर में नहीं है एग्जामिनेशन अगर दिसंबर में होता है तो वो भी स्टूडेंट के फेवर में नहीं है सुना सर बट हमें चलेगा कि जुलाई अगस्त में होगा एग्जाम तो हमें चलेगा वी विल गेट डिसेंट टाइम बट नाउ अंडरस्टैंड वॉट आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन हियर यू एक्सपेक्ट आई यू एक्सपेक्ट आईसीएस टू गिव यू अ डेट टुडे कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि आपका एग्जाम जुलाई में हो जाए या अगस्त में हो जाए और आईसीएसआई उसे आज डिक्लेयर कर दे दैट इज इंपॉसिबल सुना ध्यान से केयरफुली केयरफुल थर्ड ऑप्शन इसके एग्जाम जून में ही हो अगर एग्जाम जून में ही होते हैं तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हम सब लोग क्या गो थ्रू कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मेंटल ट्रॉमा अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेस अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने घर भी नहीं जा पाए दे आर स्टक समवेयर विदाउट द बुक्स तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया तो उस कारण से एग्जाम्स जून में होना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर जून में होते हैं सो एवरीथिंग एल्स एवरीथिंग एल्स रिमेन्स ऑन ट्रैक लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर दो स्टूडेंट्स जो कि अभी भी फंसे हुए हैं तो क्या जून में एग्जाम होना फेवरेबल है अंडरस्टैंड नो दैट इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल तो ना तो हमारे हमने अगर जून में एग्जाम किए तो वो भी फेवरेबल नहीं है क्योंकि बच्चे फंसे हुए आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया अगर हमने जुलाई अगस्त में किया तो वो भी फेवरेबल नहीं है बिकॉज आगे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी अगर हमने दिसंबर में किया तो तो बिल्कुल फेवरेबल है ही नहीं बिकॉज इवेंचुअली स्टूडेंट्स के लिए तो ये अटेम्प्ट ही गया ना दे हैव वेस्टेड सिक्स मंथ्स ऑफ देयर लाइफ नाउ अंडरस्टैंड सो यू नीट टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हम लोग किसी भी हालत में कंफर्ट लेवल पे नहीं है तो कोई भी डिसीजन होता है वो ओवरऑल नुकसानदेह ही होगा डेट्रिमेंटल ही होने वाला है बिकॉज द एंटायर इकोनमीमी इज फेसिंग द सेम थिंग मतलब आप अगर आज घर पर हैं आप बच्चे तो आप अपने पापा या मम्मी से ही बात करेंगे तो उनके भी वो जहाँ पे काम करते हैं या फिर उनका खुद का बिजनेस है तो अब कोई पॉजिटिव चीज की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं अभी वे जस्ट ट्राइंग टू डू द डैमेज कंट्रोल तो कोई भी सर्कमस्टांसिस के अंदर आपके लिए फेवरेबल चीज नहीं है बिल्कुल सही है आई होप अंडरस्टूड सबसे पहली चीज क्लियर कर लो कि आप एक अच्छी अच्छे हम लोग एक फेवरेबल में है ही नहीं अभी हमें डैमेज कंट्रोल करना है कि कितना कम नुकसान से हम इससे बाहर आ सकते हैं पहली चीज ना दूसरी चीज आपको समझनी होगी कि अगर आप ये मानते हैं ठीक है सर हम ये चाहते हैं इन तीनों में से हमें अच्छा लग रहा है आपको भी इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है मतलब एज ए टीचर मैं स्टूडेंट के लुकआउट से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन फिर भी सबसे ठीक है आप सबको लगता होगा कि ये ऑप्शन फिर भी ठीक है ना बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में तो सर नहीं पॉसिबल ही नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन के अंदर सर फिर भी फीसबल है ठीक है हमारे रिजल्ट आएगा और उसके बाद भी हमारे पास टाइम कब मिलेगा इट्स ओके वी विल मैनेज देन वी विल मैनेज देन सो दैट ऑप्शन लुक्स फाइन टू अस दैट ऑप्शन लुक्स फाइन टू अस बट अगेन वॉट यू आर डूंगाइजिंग आईसीएसआई यू आर प्रेशराइजिंग आईसीएसआई टू एक्चुअली टेक द डिसीजन टूडे टू पोस्टपोन द एग्जाम टू जुलाई विच इज नॉट पॉसिबल नाउ अंडरस्टैंड अपटिल अपटिल जून जब तक एग्जाम नहीं आ जाते तब तक आईसीएसआई विल बी डूइंग देयर बेस्ट एफर्ट्स बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट्स टू इंश्योर कि एग्जाम जून में ही हो आपको समझ में आ रहा है कि आईसीएसआई चाहेगा कि एग्जाम जून में ही हो बिकॉज आईसीएसआई के हिसाब से सबसे कम डैमेज होगा अगर एग्जाम जून में कर लेते हैं तो बिकॉज अगर जून से पोस्टपोन किए तो फिर पॉसिबिलिटी इन दोनों की बनती है फिर आपका केस टू भी हो सकता है केस थ्री भी हो सकता है और अगर केस थ्री हुआ तो आप क्या करेंगे फेर आइडिया पोस्टोन हुआ तो केस टू और, और सर, कैसे कर दिया? So ICSI, जून में ही ले। या कोशिश करेगा। लेकिन अगेन अनदर पॉइंट सर इतनी सारी गैदरिंग होगी बच्चे आएंगे एक भी बच्चे को अगर वायरस है तो बाकी को फैल जाएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं वन परसेंट भी अगर रिस्क हुई वट एम आई सींग वन परसेंट आई वॉन्ट इवन पेरेंट्स टू सी दिसन वन परसेंट भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट नहीं करेगा मैं आपको क्या कह रहा हूं अगर वन परसेंट भी रिस्क हुई तो अभी आज की तारीख में हम सबका ओपिनियन है कि जून तक रिस्क रहेगा तो हम लोग मांग रहे हैं पोस्टपोन हो जाए तो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं ना हंड्रेड एंड टेन परसेंट इवन इफ देर इज वन परसेंट रिस्क देयर आईसीएसआई इज गोइंग टू नॉट कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन जून एंड देन आईसीएसआई सोचेगा कि सेकेंड या थर्ड में से क्या करना है आर यू अंडरस्टैंडिंग सो यू के नॉ एक्सपेक्ट आई सी एस आई यू द डिसीजन राइट नाउ अरे आप ये सोचिए जब लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो इवन अर प्राइम मिनिस्टर कम्स अफ्यू डेज बिफोर एंड ऑफ द प्रीवियस लॉकडाउन फॉर द लॉकडाउन बिकॉज वो भी आज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि लॉकडाउन कब तक रहेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग पहले सिंगल डे फिर फर्दर फिर फर्दर एंड अभी भी हम लोग थर्ड मे के लॉकडाउन को देख रहे हैं गॉड नोज थर्ड मे तक क्या होगा

बिकॉज आज का डिसीजन के पास आज डिसीजन लेने के लिए उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितना बेटर डिसीजन वो उस टाइम पे ले पाएंगे विच इज गोइंटल तभी सारे गवर्नमेंट डिसीजन भी आप देख रहे हैं कि वो लॉकडाउन एंड होने के करीब ही आएंगे ना क्योंकि तब तक उनके पास वो सारा डेटा इन्फॉर्मेशन है कि वो बेस्ट डिसीजन ले पाए आज ऐसी ऐसा डिसीजन ले लेता है फॉर एग्जाम्पल कि हम जून का अटैम्प नहीं करें और सीधा हम कैंसिल करें डिसंबर में करें विल यू बी हैप्पी

क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट आप हर बार इंस्टीट्यूट पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स रैंडमलीव टू अंडरस्टैंड वंस यू आर डन विद इसी इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी के बेस पर आपको जॉब मिलने वाला है और अगर आज आप सब लोग ही एक मास में गैदर होकर उस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करेंगे द रिपरकेशन है फिर कल को जब आप सी एस कम्प्लीट करके बाहर जाएंगे तब आप अपेक्षा करते हैं कि आईसीएसआई को बाहर बहुत नाम हो मतलब हरिजा आईसीएसआई की वाई फाइ वाई करे आप बोले आप सीएस करके आईसीएसआई के अंडर और लोग आपको इमीडिएटली जॉब दें ये आपकी अपेक्षाएं लेकिन पैरलिप अभी कर रहे हैं दैट इजरिंग द रेपेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एज वेल तो प्रैक्टिकली आप अपने ही घर पे पत्थर फेंक रहे हैं और जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आप ही पे आने वाला है Are you getting a fair idea? If the institute ka reputation goes down, you are the one who is going to face the consequences. What I am trying to tell you is, again, I am not saying that you do not have the right to speak. In India, we even have a right to speak against the government. हमें government का काम सही नहीं लगता तो हम उसके खिलाफ speak कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हम जब vote करने जाते हैं तो वहाँ हमें nota का option मिलता है, वहाँ पे हम vote कर सकते हैं। So my point is, we have plethora of rights here. बट राइट नाउ इट इज नॉट द स्टूडेंट कम्युनिटी विच हैजू राइज एंड डू समथिंग इट इज द टीचिंग कम्युनिटी जो भी टीचर्स भी वीडियो दे रहे हैं टूवर्ड एम आई बी अंटेक्ट नंबर की जो जो टीचर्स यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि सच में कुछ हो वो लोग वी शुड ऑल कम टूगेदर एंड डू समथिंग बट नॉट बट नॉट इनवॉल्व द स्टूडेंट कम्युनिटी आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू पीपल दैट आपको समझ में आना चाहिए इन तीनों सर्कमस्टिस से आपके हित में यह नहीं है कि एग्जाम थर्ड सीनेरियो में जाए एंड इफ एट ऑल वी क्रिएट अज प्रेशर तो एडियन पॉसिबिलिटी है कि थर्ड सीने जून में होगा डिसंबर में होगा बाद खत्म हो गई डिसंबर में करना भी इतना आसान नहीं है वहां पर भी डिफिकल्ट हो जाएंगे बट माई पॉइंट इज जस्ट डू वी रियली वॉन्टेड क्या डू वी रियली वॉन्टेड वी नीड टू गिव आई सी एस एड दाइम सो दैट डी कुड

अरे अगर मान लीजिए अभी स्टेट के बॉर्डर सी सील्ड है तो ऑफ कोर्स आईसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा इट इज इम्पॉसिबल कि कंडक्ट करेगा so सो यू ध्यान रख रहे, रख रहे हैं सो देन वी नीड टू कंट्रोल आवर सेल्फ एंड वी शुड नॉट अननेसेसरली जस्ट बिकॉज अ वेव इज ड्राइविंग अस कि हां यार ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं लॉजिकल एंड यू आर गोइंग टू कॉन्सिक्वेंसेस इवेंट वट आई रिक्वेस्ट यू टू डू स्टूडेंट कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज बिकॉज अरे इ मोस्ट पैथेटिक पार्ट इज आई टेल यू मैं अपने स्टूडेंट से तो टच में ही था मैं उनको बोल रहा हूँ पढ़ो पढ़ो एंड बट डेली बेसिस पर कुछ नया आ जाता है कि हां ये एग्जाम को पोस्टपोन कर लेते हैं इस तरह से एग्जाम को पोस्पोन कर लेते हैं इस तरह से तो जो बच्चे एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है टू एवरी वन के बच्चों स्टूडेंट्स आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए हैव फेथन इंस्टीट्यूट एंड हैव फेथ ऑन योर टीचर्स आपको क्या लगता है कि आपके टीचर्स जीरो एफर्ट्स दे रहे होंगे क्या हर एक चीज को पब्लिकली डिस्प्ले करने की आवश्यकता नहीं होती है टीचर्स आर डूंग टू देशर्ट्स टू टॉक टू द इंस्टीट्यूट एंड गेट थिंग्स इन लाइन विद स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड यहां पर सबसे बड़ी बात बस समझिए ना कि हम सब लोग अगेंस्ट तो है ही नहीं ना द वे इट इज बींग पोर्ट्रेड स्टूडेंट यहां पर है टीचर्स यहां पर आईसीएसआई यहां पर ऐसा नहीं है वाई यू थिंकिंग दिस वे स्टूडेंट्स यहां पर आईसीएसआई हमारे साथ में है अपोजिट नहीं है बिकॉज आईसीएसआई भी यही चाहता है कि स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ देयर केपेबिलिटीज परफॉर्म करें सिर्फ आईसीएसआई का नाम ऊपर हो आईसीएसआई का नाम ऊपर होगा तो स्टूडेंट्स के लिए करियर पॉसिबिलिटी उतनी अच्छी होगी देन वील हैव टू अंडरस्टैंड एंड द वे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्टिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इज नॉट एक्सेप्टेबल ना अगेन यू हैव टू इवन है ओपिनियन ऑन दिस यू कैन हैव दिस बट मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे मुझ पर हल्का सा भी विश्वास रखते हैं आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू पीपल टू टेक अ सीड बैक फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन हैव फेथ ऑन योर टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूट वी आर वर्किंग टू द बेस्ट ऑफ आर एफर्ट्स टू इंश्योर की जो डिसीजन होगा वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में होगा बट मेरा विश्वास मानिए कि आप इंस्टीट्यूट से अभी डिसीजन की अपेक्षा मत करिए कि अभी वो डिसीजन दे दें और अभी अगर डिसीजन आया जल्दबाजी में प्रेशर में तो वो गलत डिसीजन आएगा जो कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में नहीं होगा बिकॉज इंस्टीट्यूट के में अभी वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डेटा ही नहीं है ना जैसे जैसे एवरी डे पासिंग बाय दे गेटिंग बेटर इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन की हाँ अब पॉसिबिलिटी है नहीं अब पॉसिबिलिटी है नहीं एंड इंस्टीट्यूट का जून अटेम्प्ट को लेकर जो स्थिर उन्होंने रखी स्ट्रिक्ट पोजीशन रखी है उसका एक ही रीजन है दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट गेट डिविएटेड अगर वो डिक्लेयर करेंगे तो वो लास्ट मोमेंट पे डिक्लेयर करेंगे एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज वो डिसीजन हमारे इंटरेस्ट में होगा था आई हैव कंप्लीटेड माय सीएस लॉन्ग बैक इन टू आई हैव कम्प्लीट माय सीए इन 2015 बट आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ सीए और सीएस एस इंस्टीट्यूट आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर बट माय हार्ट रियली क्राइज आउट व्हेन आई सी सीएस स्टूडेंट्स बिहेविंग इन दिस फैशन कि आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं आप खुद का नुकसान करके ले रहे हैं एंड यू नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये जोश में जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं आप खुद का नुकसान करें बिकॉज आप खुद के इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी रिड्यूस कर देंगे एंड इफ एट ऑल यू रिड्यूस द क्रेडिबिलिटी टुमारो यू आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंस एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंस जिस बच्चे ने लेटर लिखा उसको कुछ बोलेगा इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूट इससे बहुत बड़े लेवल पे काम करता है क्रेडिबिलिटी आप ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे अगर इंस्टीट्यूट की कम कर देंगे तो कल को जब आप उसी इंस्टीट्यूट की डिग्री लेके जाएंगे बाहर तो आपको लगता है क्या कि आपको उतना ही वर्थ मिलेगा so we have to increase the credibility of the institute and for that you'll have to stop what people are doing and i'm again requesting have faith on your teachers have faith on your teachers okay and to all the teachers out there we need to make a combined efforts all the teachers that inspire are making their efforts but if at all other teachers also join it's great i'm already in talk with a lot of uh, teachers फ्रॉम कॉलकटा फ्रॉम डेली एंड दीजल्स पीपल आर रियली वेरी पॉजिटिव अब कि येस स्टूडेंट्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व एंड टीचर्स शुड टेक स्टेप फॉरवर्ड एंड टीचर्स शु टेक स्टेप फॉर्वर्ड बाई नॉट मेकिंग अ वीडियो एंड बिकॉज ये सब करने से ओवरऑल स्टूडेंट्स की पढ़ाई हम पर हो रही है तो स्टूडेंट्स को हम लोग जो बेस्ट रिसोर्सेस दे सकते हैं वो हमें देने विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज जो हम बेस्ट पढ़ाई के लेक्चर्स दे सकते हैं वो हमें देने बच्चों को और अभी इस टाइम पे वी हैव टू टेक अ कंबाइन एफर्ट विद्यू हम लोगों का तरीका ही गलत होगा तो देन वी माइड एंड अपड्स अ वेरी बैडीजन और वो डिसीजन अगर होता है तो वो किसी के भी हित में नहीं होगा आर यू गेटिंग सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटी प्लीज स्टे आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टे आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस

As we could reduce the damage, it's a damage control measure which we're taking. So do not look at from as an opportunity, as an excuse. that ha, ha, You have to understand that ICS is going to take the decision in the best of your favour, but the decision will not And if the decision is it will be because of pressure created, and which will not be in the interest of students. So sincerely, I request all the student community to please be calm and focus on your examinations. Have faith on your teachers and the institute. इन दोनों पर फेयर रखो एंड प्लीज फोकस ऑन स्टडीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एंड फोकस ऑन योर स्टडीज आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स कम्युनिटी नॉट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड लेट्स डू अ कंबाइन एफर्ट टू एंश्योर की स्टूडेंट के फेवर में है ओके आई स्टॉप यॉज ए लेबोरेटिवीडियो बट आई सिंसियरली रिक्वेस्ट में स्टूडेंट शुड डाइवर्ट बैक देअर फोकस टू स्टडीज बिकॉज अगर डेली कुछ ना कुछ आता रहेगा तो जो पढ़ने वाले बच्चे वो भी पढ़ नहीं पाएंगे you'll we'll have to focus on this thank you so much for listening to me and please 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 give it a thought and stop reacting in a bad fashion thank you so much